वेलकम बैक टू माई चैनल का टॉपिक है हमारा एसिड, हम अब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे सो so, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट करेक्ट नहीं इनकरेक्ट अबाउट एसिड कौन सी इनमें स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है एसिड के बारे में तो कौन सी इनकरेक्ट है एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एसिड कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी जी हाँ इलेक्ट्रिसिटी एसिड कंडक्ट कर सकता है एसिड टू नॉट करोड मेटल्स ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एसिड मेटल्स को करोड कर सकता है और एसिड गेस हाइड्रोजन आयंस आफ्टर डिसोसिएशन तो ये भी सही है तो इनकरेक्ट कौन अबाउट एसिड सेकेंड ऑप्शन अब इस क्वेश्चन से आपको तीन करेक्ट ऑप्शन आपको मिल एसिड के बारे में एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एसिड को रोड्स मेटल एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन आफ्टर डिसोसिएशन ये तीन करेक्ट ऑप्शन है और डू नोट कोरेड मेटल्स ये क्या है इन करेक्ट ऑप्शन है अबाउट एसिड्स सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स OH एच माइनस आयन ओ एच माइनस आयन वॉटर में कौन देता है बेसिस देते हैं ठीक है ठीके? अब इसमें से बेस कौन सा है कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं है कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं है कैल्शियम सल्फाइड भी नहीं है तो अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी सी कैल्शियम ऑक्साइड जिन्हें हम कहते हैं ठीक है सी जब ये वाटर में जाता है तो क्या फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है लेकिन एक ही बार में होता है मतलब एक साथ हो जाता है बट ये दो स्टेप में होता है पहले स्टेप में ये होगा और दूसरे स्टेप में इसका डिसोसिएशन हो जाएगा जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओ OH एच माइनस आयन देगी वॉटर में ही ठीक है तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या है कैल्शियम ऑक्साइड थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन हाइड्रोक्साइडली क्या होता है एल्कली वाटर बेस है ठीक जितने भी बेसिस वो सारे एल्कली होते हैं लेकिन सारे जितने भी बेसिस है वो सारे एल्कली होते हैं बट सारे एल्कली बेसिस नहीं होते हैं क्यों क्योंकि ये वाटर सेल्यूबल बेसिस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए सो so, नॉट एन ल्कली से कौन सा एल्कली नहीं है ये पूछा गया है क्वेश्चन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है कॉपर हाइड्रोक्साइड एल्कली नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन सो इसमें क्या हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है NH4 और Y क्या है H2O आप जब इसे बैलेंस करके देखेंगे और देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये करेक्ट ऑप्शन है वट हैपन्स वेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्सड इन वॉटर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हम वाटर में मिक्स करेंगे तब क्या होगा हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड होंगे हाइड्रोनियम आयन H3O+ को कहते हैं हीट इज रिलीज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन हीट रिलीज होगी प्रोसेस जो होगा वो इंडोथर्मिक होगा या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है एक बेस है राइट और जब बेस को हम वाटर में डालते हैं तो फिर वो ओ एच माइनस आयन मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है ठीक है तो फोर्थ तो सही है बिल्कुल, बिल्कुल राइट है, और हीट इज रिलीज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन और हीट भी रिलीज होती है जब हम एन को वॉटर में डिजोल्व करते हैं तब ठीक है तो सेकेंड और फोर्थ सही ऑप्शन है सिक्स होंगे ठीक है डायल्यूशन होगा न्यूट्रोलाइजेशन होगा फॉर्मेशन ऑफ एच थ्री ओ प्लस होगा सॉल्ट फॉर्मेशन होगा क्या होने वाला है तो एक छोटे से डायलूट होता क्या है डायलूशन और डायल्यूट कोई एसिड है मारी ठीक है एक मिनट मिलकर अगर वो बहुत मिल्क में हम बहुत सारा पानी मिला दे तो फिर वो डायल्यूट हो जाएगा और हम मिल्क में जरा सा भी पानी ना मिला है तो फिर वो कंसेंट्रेट रहेगा तो यहाँ पे अगर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड लिया है थोड़ा सा एसिड लिया है और उसमें वाटर डाल दिया है तो फिर उस, उसमें क्या कौन सा प्रोसेस होगा डायल्यूशन न्यूट्रलाइजेशन तो तब होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन भी तभी होता है ठीक है अगर यहाँ इस क्वेश्चन में होता कि एसिड एंड बेस रिएक्ट कर रहे हैं तब कौन सा प्रोसेस हो रहा है तब न्यूट्रलाइजेशन और सॉल्ट फॉर्मेशन सही रहता बट इसमें क्या बोला गया है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एड किया गया है वॉटर में उन उस फेनोमिना को क्या कहते हैं तो इस फेनोमिना को डायल्यूशन कहते हैं और फॉर्मेशन ऑफ एच थ्री ओप्लस की होगी एच थ्री ओप्लस हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी जैसे कि आपको पता है कि एसिड जब वॉटर में जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है एच प्लस आयन प्रोड्यूस करता है ठीक है और ये H2 से मिलकर क्या बना लेता है एच थ्री ओ हाइड्रोनियम आयन ब्लू लिटमस फर्स्ट इन डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन डायल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन द कलर ऑफ अ लिटमस लिटमस विल बी यहां पे मैंने एक चीज लिखी है ब्लू टू रेड लिटमस पेपर हमारा ब्लू टू रेड कब होता है पहले वो जब एसिड में जाता है तब वो उसका चेंज कैसा हो जाता है रेड हो जाता है और अगर वही लिटमस बेस में गया है तो फिर उसका कलर क्या हो जाता है ब्लू हो जाता है बी फॉर बेस बी फॉर ब्लू तो यहाँ पे क्या हुआ है ब्लू लिटमस लिया गया है पहले वो डिप किया गया है किसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तब उसका कलर क्या होना चाहिए एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो रेड होगा उसका कलर और फिर उसको एन जो कि एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डिप किया जा रहा है तो इसका कलर होना चाहिए ब्लू ठीक है तो देखें नीचे से शुरू करते हैं चेंज टू रेड नहीं इसका कलर दो बार बदलेगा क्योंकि इसने लिटमस पेपर एक बार एसिड में गया है और फिर दोबारा किस में गया है बेस में गया है रिमेन ब्लू ये भी नहीं होगा क्योंकि एसिड तो रेड में चेंज करता है ना चेंज फर्स्ट ब्लू एंड देन रेड अब ब्लू लिटमस ब्लू लिटमस लिया गया था जिसको एसिड में डिप किया गया था तो एसिड तो पहले रेड चेंज होना था ना लिटमस को तो करेक्ट ऑप्शन क्या हमारा ए फर्स्ट टू रेड चेंज फर्स्ट टू रेड पहले वो रेड में बदलेगा और फिर वो ब्लू में बदलेगा विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अचुरल इंडिकेटर 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 क्या होता है जो एसिड बेस को इंडिकेट करे कि हाँ ये बेसिड है ये बेस है ये एसिड है अपने कलर से ठीक है तो नेचुरल इंडिकेटर जो कि हमें प्लांट से मिले जो कि हमें एनिमल से मिले वही सब नेचुरल इंडिकेटर होते हैं ठीक है जिसमें कोई केमिकल सब्सटेंस ना हो तो रेड कैबेज जो कि हमें प्लांट से मिलता है टर्मरिक ये भी प्लांट से मिलता है कोई भी प्रोसेस से इसका पाउडर बनाया जाता है बट मिलता है तो हमें प्लांट ही से हाइड्रिया प्लांट प्लांट लिखा ही हुआ है किस नेचर का होता है ठीक है ये मैं बताना है तो कैल्शियम फॉस्फेट एक सॉल्ट है जो कि फौ, वीक फॉस्फोरिक एसिड से और कैल्शियम सॉल्ट से कैल्शियम सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर जब कोई कैल्शियम बेस सॉरी कैल्शियम बेस से मिलकर बना होता है और वीक फॉस्फोरिक एसिड होती है तो जो स्ट्रॉन्ग है भाई उसी की ताकत चलनी है स्ट्रॉन्ग कौन है कैल्शियम है कैल्शियम का जो भी बेस है वो स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक इन नेचर होगा ठीक है कंटेन एंटा एसिड क्या कंटेन करती है तो एसिड्स वीक बेसिस कंटेन करती है कैमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम क्लोराइड कैल्सियम क्लोराइड क्या है सी ए सी एल टू है और इसका हम ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल ने सी ए सी एल टू है सी ए सी सी ए सी एल टू ये इसका कैमिकल फॉर्मूला है और केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ठीक है तो ये तो भाई फॉल्स है फॉल्स प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी हार्ड एंड बाइट प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है जब कलर होता है तो जो वॉल पर लगाई जाती है व्हाइट कलर की वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जब बोन्स जो है हमारी ब्रेक हो जाती है उसमें जो उसको पोजीशन पे लाने के लिए कौन हेल्प करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ टॉयज भी बनते प्लास्टर ऑफ पेरिस के ठीक है तो ये हार्ड किससे होता है जब ये वॉटर के कॉन्टेक्ट में आता है तब ये हार्ड हो जाता है ठीक है वॉट इज पी एच पी एच क्या है तो इंडिकेटर है जो हमें बताता है एसिड एसिड है कोई सोल्यूशन बेस है बट ये पीएच इंडिकेटर जो है ये ये भी बताता है अगर कोई बेस है तो फिर वो कितना वीक है कितना स्ट्रॉन्ग है कोई एसिड है तो कितना स्ट्रांग है कितना वीक है पूरी डिटेल ये देता है ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है निगेटिव लेगरिथम्स ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन बहुत बड़ा है पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा निगेटिव हाइड्रोजन आयन बताती है एसिडिटी जी सही जब ये मान लीजिए पीएच है ठीक है और सबसे ज्यादा एसिडिटी कहाँ पे होती है यहां पे होती है ठीक शुरू में एकदम. जितना कम uh, किसी सोल्यूशन का पीएच होगा उतना ज्यादा वो सोल्यूशन एसिडिक होगा तो ये है ट्रू assertion and reasoning mcqs हमारे चालू हो चुके हैं assertion lemon juice is sour in taste reason lemon juice is acidic in nature अब यहां से आपको एसिड के बारे में कुछ पता चल गया कि एसिड जो होती है वो सॉवर इन टेस्ट होती है ठीक है और मतलब खट्टी होती है थोड़ी ठीक है और lemon क्या है lemon juice juice की स्पेलिंग फिर गलत juice acidic in nature होता है तो जी हाँ, जितने भी एसिड एसिड होते हैं वो सॉवर इन टेस्ट होते हैं तो इसका Uh, कहा गया बोथ ए एंड आर ट्रू गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन रीजन फिनॉल्फलीन इज अ नेचुरल इंडिकेटर ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है नाम से आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है ठीक है तो आर इज फॉल्स बट असर्शन इज ट्रू फिनॉलिन पिंक कलर देता है बेसिक सोल्यूशन में और ये कलरलेस होता है एसिडिक सोल्यूशन में ठीक है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज एन एंटा एसिड मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड इज अस्ट्रॉन्ग बेस तो मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होती अभी हमने देखा कि एंटाएसिड्स में क्या लिया जाएगा वीक बेस ठीक है तो अगर आर ट्रू uh, है तब तो असर्शन फॉल्स होगा अगर असर्शन ट्रू है तब रीजन फॉल्स होगा करेक्ट ऑप्शन है ट्रू है और रीजन आपका फॉल्स है ज्यादा ही बड़ी टिक लग गई एसर्शन एचसीएल प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोरीन आय इन एक्वा सोल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ वॉटर बेस गिवस एच प्लस आय वॉटर की प्रेजेंस में हो या चाहे जिसकी प्रेजेंस में हो बेस जब डिसोशिएट करेगा तो एच प्लस नहीं देगा बेस हमेशा क्या देता है आयन देता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स सब में यही है केस बेस्ड क्वेश्चन देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे टॉपिक आप बताए जा रहे हैं मैंशन किए जा रहे हैं वो उनका आपका आपको केमिकल नेम उनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है ठीक है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैराग्राफ में नहीं लिखी होती बट क्वेश्चन में दे दी जाती हैं फिर भी लेकिन हमें पढ़ने में जरूर पढ़ना चाहिए देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड नोन विच हैिस्टिक्स प्रॉपर्टीज लाइक ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड एज एन

फ्रैक्चर बोन को ज्वाइन करने के काम में आता है ठीक है बेकिंग पाउडर क्या होता है केक वगैरह बनाने के काम में आता है और सोडियम क्लोराइड जिसे हम सोल्ट भी कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो गया प्रॉपर्टीज इन ये सारी प्रॉपर्टीज इस कम्पाइन ये सारे कंपाउंड्स को बहुत ज्यादा खास बनाती है हमारी डेली रूटीन में ठीक है तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है ये तो अभी हमने किया है ना कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड सी ए सी एल टू बेकिंग पाउडर इज तो यहाँ पे आप कंफ्यूज पे हुए होंगे एन ए सीओ थ्री में या फिर एन ए एच थ्री में सो द करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम बाई कार्बोनेट एन ए एच थ्री सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग पाउडर का केमिकल नेम है और केमिकल फॉर्मूला एन ए एच थ्री है वॉशिंग सोडा फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बहुत लंबा होता है ये यही ठीक है पीओपी केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट इसका केमिकल नेम है और यहाँ पे एक चीज और मैं बता दू जितने भी आपके ब्लीचिंग पाउडर हैं ठीक है प्लास्टर ऑफ पेरिस है पीओपी वॉशिंग सोडा बेकिंग पाउडर और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं सोडियम क्लोराइड इन सबको आपको केमिकल नेम केमिकल फॉर्मूला और एक दो यूजेस पता होने चाहिए ये जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगी तब ये मैं आपको जरूर बताऊंगी और या फिर एक स्लाइड पे मेंशन ये सारी चीजें कर दूंगी अब सेकेंड केस बेस्ड क्वेश्चन ये हमारा लास्ट है एन एसिड इज अ सब्सटेंस डेट डोनेट्स प्रोटोन्स और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन

बेस बेस जब एसिड रिएक्ट करते हैं तब क्या फॉर्म होता है सोल्ट फॉर्म होता है ठीक है सोल्ट कंसिस्ट ऑफ अ कैटायन एंड एन एनायन एक इसमें इसमें कैटायन होता है और इसमें एक एनायन होता है जैसे एनए प्लस और सीएल एनए सीएल फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द वैल्यू ऑफ पी एच ऑफ एसिड रेन तो एसिड रेन की जो पीएच होती है उसकी फोर पॉइंट जीरो होती है मतलब की लेसर देन 5.6 मैच द फॉलोइंग आइटम्स ये मैच है ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है आप बताइए कि आपने सही किया था या नहीं कमेंट बॉक्स में मैं तब तक करती हूँ एसिटिक एसिड मिलता है विनेगर में फॉर्मिक एसिड मिलता है बी स्टिंग में या फिर अगर एंट लिखा होता तो एंट में भी मिलता है ठीक है जब जो रेड वाली होती है खासकर बुरी वाली चीटी जब हमें काटती है तो फिर बहुत ज्यादा वो होता है ठीक है तो उसमें जो हमें थोड़ी इरिटेशन होती है वो कौन स्किन पे जो इरिटेशन होती है वो कौन सी एसिड देती है फॉर्मिक एसिड देती है और लैक्टिक एसिड कर्ड में होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में इतनी डेंजर एसिड हमारे स्टोमक में रह रही है और लैक्टिक एसिड कर्ड uh, में तो रहती है और एक बैक्टीरिया है जो कि जब वो मिल्क में जाती है तब कर्ड फॉर्म होती है उस बैक्टीरिया का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये बायो का क्वेश्चन है आई नो एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड फॉर्म जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब क्या बनाते हैं सॉल्ट बनाते हैं ठीक है रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज जब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है मतलब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं डिसोसिएशन एक्सोथर्मिक ये सब तो हम पिछले क्लास में पढ़ा आए हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं ऑप्शन इज करेक्ट फॉर फॉर तभी एसिड था अब करेक्ट फॉर एसिड है दे आर बिटर इन टेस्ट दे आर बिटर इन टेस्ट दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू दे आर सावर इन टेस्ट तो अभी हमें पता चली थी करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें क्या है सावर इन टेस्ट और बाकी के जो दो ऊपर के हैं ये क्या है ये बेस के बारे में लिखा हुआ है ठीक है ये बेस के बारे में लिखा हुआ है सो आई होप हमारे ट्वेंटी एमसीक्यू पूरे हो चुके हैं आई होप अच्छे से आपको समझ में आया हो अगर आया हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग